जी 12th क्लास। यस बेटा, आज फिर मैं आपसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ 2020 से। 2020 में बेटा ऐसा सच इंटरनल असेसमेंट इंक्लूड हो चुका था। पेपर थ्योरी का 80 मार्क्स का होता था, बट स्टिल वहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी में, दैट मीन 6 मार्क्स में ही था। ठीक है, 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था। चलिए, क्या था उस ईयर में क्वेश्चन बेटा? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। सिंपल, आपको वर्टिसेस ड्रॉ करने हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन में और ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करने को कहा है। आप इसको ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी द पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट 2 -2 एंड 4 5 इज दिस पॉइंट, बी विथ कोऑर्डिनेट 4 5 एंड सी विथ कोऑर्डिनेट 6 2। दिस विल बी द ट्राइंगल जिसका आपका एरिया कैलकुलेट कर। अब इस फिगर को गौर से देखो बेटा, इस फिगर में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अबव इतना एरिया है, तो इतना एरिया अंडर एक्स एक्सिस। और हमारा मेथड क्या होता है, जो अंडर एक्स एक्सिस है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो इसको हमने मॉडुलस में लेना है। तो मॉडुलस में मतलब ये पॉइंट भी आप कैलकुलेट करते रहो, आप ये पॉइंट तो चलो दे रखा है, ये पॉइंट कैलकुलेट करते रहो और इसके अंडर फिर आप इनको सोचते रहो क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें। तो इसकी विजुलाइजेशन देखो गौर से बेटा, वाई एक्सिस के तो ये कंप्लीट राइट साइड में है ना, तो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि आप कहाँ पर एक्स एक्सिस के बजाय वाई एक्सिस कर सकते। अभी कैलकुलेट करेंगे पूरा और आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें वही चाहिए बेटा, हमें इक्वेशंस चाहिए ए बी बी सी ए सी की। ठीक है, ए बी बी सी ए सी की इक्वेशन निकाल ले, फिर हम एरिया विजुलाइज करेंगे दोबारा क्या क्या करना है। चलिए पहले एक बार इक्वेशन निकाल लें बेटा लाइन्स की। ए बी की निकाल लेते हैं पहले, नो डाउट वाई के विद रिस्पेक्ट हमारा ऑर्डर चेंज रहेगा किसके अंडर प्लस, वो हम ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। चलिए वाई -2 ए के कोऑर्डिनेट, एक्स -2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट 4 5 है, 5 -2 अपॉन एक्स -2, दिस इज नथिंग बट 5 + 2 = 7, सॉरी एक्स -2 लिख दिया मैंने इसे, दिस इज 4 -2। बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4, ठीक है, 4 - 2 = 2, 7/2, दिस विल बी 5 + 2 = 7/2 x - 2, राइट। बट बी केयरफुल बेटा, यहाँ हमें एक्स चाहिए, ठीक है, यहाँ एक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो हम इसको जब मॉडिफाई करेंगे, x - 2 is 2/7 times y + 2, That means x will be 2/7 y + 4/7 + 2 and this will be 18/7. X will be 2/7 y + 18/7, ठीक है। ये केयरफुल रहना हमें, जब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो हमें x एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। अब BC की इक्वेशन बेटा, 5 - 5, आप इसको बिल्कुल ऊपर नीचे भी कर सकते हो अगर आप उस कैलकुलेशन को करना चाहते हो जैसे हमने पहले की हुई है, x - 4, दैट मीन्स x के कोऑर्डिनेट्स ऊपर y के नीचे रख लीजिए, बट दोनों तरफ एक तरफ नहीं, फिर गलती हो जाएगी। 5 - 5, मैंने b को ले लिया फर्स्ट पॉइंट, और c लेना है आप मुझे 2 - 5 / 6 - 4, दिस विल बी -3/2, दैट मीन्स 5 - 5 is -3/2 x - 4, तो वी विल गेट x - 4 as -2/3 times y - 5, दैट मीन्स x विल बी -2/3 y + 10/3 + 4, दैट मीन्स
एक्स एस माइनस 2/3 वाई प्लस 12 + 10 22/3। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते जाइए। एसी अगेन ए के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट ले लेते हैं, वाई माइनस माइनस 2 + 2 लिख देती हूँ। चलिए अब मैं सीधा एक्स माइनस 2 = 2 - -2 दैट मीन्स 2 + 2 डिवाइडेड बाय 6 - 4/4 ये तो 1 हो गया बेटे। ओके, दिस विल बी वाई प्लस 2 = x - 2 दैट मीन्स एक्स विल बी वाई प्लस 2 + 2 दैट मीन्स एक्स विल बी वाई प्लस 4। ओके, 5 + 4 इसको जरूर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा आगे बढ़ने से पहले। चलिए एरिया नेक्स्ट में ही लिख लेते हैं बेटा सीधा। ओके, ए बी दिस एंड बी सी दिस। चलिए सीधा नेक्स्ट पे लिखते हैं बेटा। ए बी इज एक्स इक्वल टू 2/7 वाई प्लस 18/7। बी सी इज एक्स इक्वल टू माइनस 2/3 वाई प्लस 22/3 एंड ए सी इज एक्स इक्वल टू वाई प्लस। बिल्कुल वेरीफाई कर लेंगे बेटा, एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए। बार बार कहती हूँ बेटा ये बहुत कॉमन मिस्टेक देखी गई है। नेक्स्ट पेज तक मूव होते होते कोई साइन कोई गलत लिख, ठीक है। चलिए एरिया लिखे बेटा। अगर एरिया अब हमने जैसे कहा डिस्कस किया कि विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो अब मैं चाहूंगी मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दूं, एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट। ठीक है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। अब आप इसको अंडरस्टैंड करें तो दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू माइनस 2, दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू 2 जो इन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं इजिली, आई थिंक आप यहाँ भी समझ आ रहा है। आपको एरिया अंडर एसी बात करते हो तो ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है, प्लस बीसी के अंडर एरिया बात करते हो तो ये कंप्लीट एरिया है। तो आपने एसी के अंडर प्लस बीसी के अंडर लिमिट नो डाउट ये लेनी है आप जो मैंने लिख दिया यहां पर, लेकिन ये कंप्लीट एरिया हो गया। ये आपको चाहिए नहीं जो वाइट है, और ये किसके अंडर है, एबी, एबी के अंडर। तो एबी के अंडर वाला एरिया आप माइनस करोगे, और अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स डी वाई, एक्स डी वाई। ठीक है, चलिए मैं एक बार एक्स डी वाई ही करके लिखूंगी क्योंकि वाई के विद रिस्पेक्ट हमारे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, आप समझ लें अच्छे से। रिक्वायर्ड एरिया विल बी, पहला हमारा हो गया बेटा माइनस 2 2 2। ठीक है, वाई के लिमिट्स देख रही हूं मैं लोअर से, ये 2 अपर। एक्स डी वाई अभी कौन सी लाइन है बेटा, अभी ये लाइन आएगी मेरी एसी, एसी लाइन के अंदर है आएगा फर्स्ट, ये इस लाइन के अंदर ये पूरा एरिया। फिर बीसी लाइन, बीसी लाइन में 2 2 5। ठीक है, ये भी मुझे एड करना है 2 2 5, अगेन एक्स डी वाई ही है अंडरलाइन बीसी, अंडरलाइन बीसी। ठीक है, माइनस, अब माइनस मुझे करना है ये सारा एरिया जो भी वाइट है एबी के अंडर, लेकिन लिमिट्स -2 to 5। ठीक है, -2 to 5, अगेन एक्स डी वाई ही विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहां लाइन की इक्वेशन करूंगी मैं एसी। ये बिल्कुल लिखना मत नहीं बेटा, दैट इज योर मेंटल कैलकुलेशन। आप रफ में लिखिए बेशक, यहाँ लिखिए, बट ये मेंशन जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप जो मैं अपलाइन लिख रही हूँ ये सीधा लिख सकते हैं इफ यू हैव कमांड। ठीक है, चलिए एसी लाइन से मुझे एक्स लेना है, मैंने पहले किया ही काम यही है कि मैं सीधा एक्स पढ़ पाऊं, तो वो है वाई प्लस 4 बेटा। मुझे अब बीसी लाइन से एक्स लेना है, लिमिट 2 to 5 रहेगी बीसी लाइन से, ये रहा बेटा -2/3 वाई प्लस 22/3 विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस, अब एसी लाइन से एक्स हो गई -2 to 5 2/7 वाई प्लस 18/7 विद रिस्पेक्ट। ओके, एक बार आपने लिख लिया तो फिर इंटीग्रेशन वाई का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट वाई, वही फॉर्म करते हैं जो
और इंटीग्रेशन बिल्कुल ये लाइंस वाले में बिल्कुल सिंपल होती है बेटा, एक्स और कांस्टेंट, यहाँ वाई और कांस्टेंट, बिल्कुल इजीली। ठीक है, आई होप क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई इज वाई स्क्वायर बाय टू, फोर का इंटीग्रल, फोर वाई लिमिट माइनस टू टू टू, अब नेक्स्ट माइनस टू बाय थ्री, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय टू, 22/3 इज कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल 1 का वाई लिमिट रहेगी 2/5 एक्सप्रेशन की, एंड नेक्स्ट माइनस 2/7, वाई का इंटीग्रल वाई स्क्वायर बाय 2, प्लस 18/7 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल वाई माइनस 2/5। ओके, बस लिमिट्स पुट करिए केयरफुली। ओके, 1/2 वाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस 2 स्क्वायर अगेन 4, 0 हो गया बेटा, प्लस 4 बाय 2 माइनस माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 2। नेक्स्ट इज 2 टू गेट कैंसल, माइनस 1/3, वाई स्क्वायर 5 पुट किया 25, 2 पुट किया माइनस 4, प्लस 22/3 वाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस है बाहर, बी केयरफुल बेटा, माइनस टू, ओके यहाँ भी टू कैंसल, तो ये 1 हो गया बेटा, 1/7। हमेशा कैलकुलेशन अच्छे से करिए, मेंटली पेपर में जैसे भी आप कर सकते हैं बट अच्छे से करिए। 25 माइनस माइनस टू स्क्वायर दैट मीन्स 4, अब अगेन माइनस 18/7, 5 माइनस माइनस 2 दैट मीन्स 5 प्लस 2। ओके, this is 4 minus 4 0, this is 4, 4 is 16, this is 25 minus 4 21, 21 divided by 3 7, this is 3, 3 divided by 3 22, 25 minus 4 21 divided by 7 that means 3, and 7 7 get cancelled minus 3. Okay, so this is 18, 3, 21, 22 minus 1, 1 plus 16, 17 minus 7. Okay, this will be 10. 10 square units will be the area. Okay, I hope it is clear. So that's all for the day beta. 2020 तक के मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। 2021 का डेफिनेटली सैंपल पेपर ही रिलीज हुआ था, सैंपल पेपर मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आपको क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और मैं इस साल का सैंपल पेपर भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन लूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।